हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉन्टीन्यूटी, और कॉन्टीन्यूटी में हम ले रहे हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन, और ये कॉन्टीन्यूटी का लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कॉन्टीन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों, आज हम जो लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। ओके बच्चों, चलो तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ओके बच्चों, कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। चलो तो पहले तो एक बार देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन। तो बच्चों, सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम। देखो, शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन। ठीक, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो बच्चों अगर एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम क्या रिटर्न करता है? वन। एंड इफ अगर एक्स जीरो है तो सिग्नम क्या रिटर्न करता है बच्चों? जीरो। एंड इफ अगर एक्स निगेटिव है तो सिग्नम क्या रिटर्न करता है? माइनस वन। देखो ऐसा, राइट? तो बच्चों ये है सिग्नम। अगर एक्स पॉजिटिव होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर एक्स, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या रिटर्न करेगा? वन। अगर जीरो ले लिया तो जीरो, और अगर नेगेटिव ले लिया तो माइनस वन। ठीक, अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा, अगर फंक्शन पढ़ा है तो ये सब पढ़ा होगा, जीरो माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, अब ध्यान देना, अब ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया वन, और ये ले लिया माइनस वन। ठीक, अब देखो अगर एक्स पॉजिटिव है तो देखो ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो y क्या ले रहा है? 1। तो बच्चों y 1 क्या होगा? देखो ये y इज इक्वल टू 1 है फॉर x ग्रेटर देन 0। अब समझ रहे हैं आप? देखो x इज इक्वल टू 0 पर 0 ले रहा है, x इज इक्वल टू 0 बट 1 नहीं ले रहा है, तो यहाँ 1 यहाँ पर क्या बना दो? होल बना दो, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर 1 नहीं ले रहा है। अगेन आओ, अब x देखो निगेटिव, तो देखो ये निगेटिव x है, ठीक, इसके लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस वन। तो बच्चों ये है माइनस वन, ठीक, माइनस वन, राइट, और x इक्वल टू जीरो पर माइनस वन तो ले नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी होल बना दो ऐसा, राइट। अब ध्यान से देखो तो ये ग्राफ, और यहाँ से भी समझ सकते हो ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस। देखो x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो ले रहा है, और जीरो से जस्ट ग्रेटर जाओ तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? वन, यानी राइट हैंड लिमिट आपको मिल गई वन, और जीरो से जस्ट लेस आओ, राइट, तो वैल्यू मिल रही है माइनस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी हो गई माइनस वन। ठीक, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जीरो पर, तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, तो ये क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, अब इतना तो आपने फंक्शन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक, बट देखो अगर हम थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर दें, समझना इसको, तो बच्चों सिग्नम फंक्शन जीरो पर क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो मान लो फंक्शन हमने ऐसे ले लिया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम। ठीक, अब यहाँ सिग्नम एक्स नहीं ले लिया हमने, हमने यहाँ पर ले लिया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलीनोमियल, राइट, लॉगरिथम, कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। तो बच्चों अगर ये आपको गिवन है सिग्नम जी ऑफ एक्स, ठीक, अब इसकी कॉन्टीन्यूटी हमें डिस्कस करना है, इसकी कॉन्टीन्यूटी क्या होगी। तो बच्चों ये जो फंक्शन है, ठीक, इज डिसकॉन्टीन्यूअस, डी सी का मतलब डिसकॉन्टीन्यूअस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वेयर जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, देखो सिग्नम जी ऑफ एक्स ये डिसकॉन्टिन्यूअस वहाँ पर होगा जहाँ पर जी एक्स जीरो होगा, एक्स के जिस वैल्यू के लिए जी एक्स जीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, देखो जैसे मान लो एग्जांपल हमने ले लिया डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ, अब ये फंक्शन मान लो गिवन है सिग्नम
एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक बच्चों, यहाँ से हम इसको देखते हैं। देखो ये सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, राइट। तो कैसे करते हैं देखो, समझना। देखो इसको हम डिफाइन करते हैं सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन को, ठीक। अब ध्यान देना, देखो सिग्नम के साथ जो फंक्शन है, अगर इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो बच्चों अगर ये पॉजिटिव है तो सिग्नम वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, वन। क्लियर, मैंने कहा था ना यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो सिग्नम क्या रिटर्न करेगा, वन। एंड इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर ये जीरो हो गया, देखो अब यहाँ पर जीरो आ गया तो सिग्नम जीरो क्या रिटर्न करता है, जीरो, ठीक। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, तो बच्चों अगर इसको आपने निगेटिव ले लिया, निगेटिव, तो ये क्या रिटर्न करेगा, माइनस वन। देखो ऐसा, ओके। अब ध्यान देना यहाँ से, ठीक। अब देखो इसको, इसको सॉल्व करना आपको पता है कैसे होता है, x माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो मैंने आपको बताया था एक बार, देखो इसका फैक्टर आपको वन मिल रहा है, इसका फैक्टर माइनस वन, ठीक। तो ग्रेटर देन जीरो के केस में देखो, तो ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन और स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन, बीच में और, ठीक है ऐसे। तो ग्रेटर देन जीरो है तो ये वन दे रहा है यहाँ से, ये माइनस वन, तो ये ग्रेटर है, देखो इन दोनों में ये ग्रेटर है, तो इस पर ग्रेटर साइन, एक्स ग्रेटर देन वन और स्मॉलर है तो इस पर स्मॉलर साइन, सो एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन, ठीक। ये और बच्चों इसको क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, देखो ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो ये स्मॉलर फैक्टर माइनस वन, ग्रेटर फैक्टर वन और बीच में एक्स ले लो, देखो ऐसा, तो इसका सोल्यूशन ये मिल जाएगा, राइट। चलो अब देखो अगर हम इसे बनाएं यहाँ से, ध्यान देना सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो इसको अगर हम डिफाइन करें, राइट, इफ़ एक्स लेस देन माइनस वन, तो एक्स लेस देन माइनस वन, देखो ये वाली कंडीशन है, इस पर क्या मिल रहा है, वन, राइट। अगेन इफ़ एक्स इजक्वल टू माइनस वन, देखो बच्चों इसको अगर करोगे x इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस वन, इस पर क्या मिल रहा है, ज़ीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन पर आपको ज़ीरो मिल रहा है, राइट, ओके। एंड इफ़, अब देखो अगर हमने ऐसे ले लिया, ठीक, माइनस वन से वन, यानी ये वाली कंडीशन, इस पर क्या मिल रहा है आपको, माइनस वन, ठीक। एंड इफ़, चलो और देखो, और हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू वन, तो बच्चों x इक्वल टू वन पर क्या मिल रहा है, देखो ये वाली कंडीशन, ज़ीरो। एंड इफ़ x ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन, देखो ये वाली कंडीशन थी दिस, इस पर क्या मिल रहा है, वन, देखो ऐसा, ठीक जी, ओके बच्चों ये। तो देखो ये कंप्लीट कहानी है इसकी, अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस वन है तो वन, इक्वल टू वन है माइनस वन है तो ज़ीरो, माइनस वन से वन के बीच में है माइनस वन, इक्वल टू वन है तो ज़ीरो और ग्रेटर देन वन है तो वन, ठीक। अब चलो देखो चेक करो इस फंक्शन को, देखो माइनस वन की अगर हम बात करें, देखो दिस इज़ द माइनस वन, तो माइनस वन से जस्ट पहले, देखो जस्ट स्मॉलर, जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, राइट ना। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या मिल रहा है, माइनस वन, सॉरी वन, ध्यान देना किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, माइनस वन पर, और f ऑफ माइनस वन क्या मिल रहा है आपको, ज़ीरो, देखो। और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का माइनस वन से जस्ट ग्रेटर, माइनस वन से जस्ट ग्रेटर, देखो ये आपको मिल रहा है माइनस वन, ठीक। सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस वन, ठीक, माइनस वन पर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। चलो अब वन पे आओ, देखो वन पर, अब देखो वन, देखो ध्यान देना, ये सपोज करो हमने वन ले लिया, राइट, तो वन के जस्ट पहले, वन देखो ये वन है, वन के जस्ट पहले यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन, देखो ये मिल रहा है माइनस वन, ठीक, ओके। और वन के जस्ट बाद, और वन पर देखो, वन पर क्या मिल रहा है, ज़ीरो, वन पर आपको ज़ीरो मिल रहा है, और वन के जस्ट बाद यानी राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट बच्चों क्या मिल रही है आपको, वन। ठीक, तो बच्चों तीनों वैल्यू देखो वन पर डिफरेंट है। वन से जस्ट पहले माइनस वन, वन पर जीरो, वन के जस्ट बाद वन। तो बच्चों एक्स इक्वल टू वन ये भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट। देखो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। ओके, तो ये सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन और प्लस वन, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब ये जो हमने इतनी कहानियाँ बताई आपको, इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये सिग्नम है, सिग्नम के साथ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसे जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को जीरो कर दो, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस वन। देखो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूसी। ठीक, तो सिग्नम के साथ में जो फंक्शन है उसे जीरो कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो, तो एक्स की जिस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है वही आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, सिग्नम के साथ जो फंक्शन है उसे जीरो करो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, ये सर इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके चलो, मान लो अगर हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, देखो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। मान लो ये फंक्शंस हैं, मान लो ये हमने ले लिया, ठीक, फंक्शन मान लो फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम, चलो मान लो हमने ले लिया एक्स क्यू माइनस एक्स, चलो सेकेंड एफ एक्स सिग्नम टू साइन एक्स माइनस वन, फिर थर्ड हमने ले लिया एफ एक्स सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक, चलो अब बताओ, ठीक है, ये तीनों फंक्शन जो हैं कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है, कहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, ये आपको चेक करना है। ओके, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि सिग्नम के साथ में जो फंक्शन है उसे इक्वल टू जीरो कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो, जो एक्स की वैल्यू होगी दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे, सिग्नम के साथ फंक्शन क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स, तो इसे जीरो करो, देखो एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस वन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, अब देखो ये फंक्शन, अब ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पर देखो ये जीरो होगा, तो टू साइन एक्स इजक्वल टू वन, साइन एक्स इजक्वल टू वन बाई टू। तो बच्चों साइन एक्स वन बाई टू कब देता है, साइन पाई बाई सिक्स पर। ठीक, पर साइन एक्स वन बाई टू एक्स की मेनी वैल्यूज के लिए मिलता है ना, राइट, जैसे पाई बाई सिक्स हो गया, फिर फाइव पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक, और क्या मिल सकता है, टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी थर्टीन पाई बाई सिक्स, इस पर भी मिल सकता है, देयर आर मेनी वैल्यूज। ठीक, तो इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, एक्स इजक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन पाई बाई सिक्स, याद है ना, जब साइन थीटा इजक्वल टू साइन अल्फा होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इजक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। ठीक, एन बिलोंग टू इंटीजर। ओके बच्चों, ये एन बिलोंग टू इंटीजर, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस पॉइंट, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, एन की वैल्यू पुट करते जाओ इंटीजर, जीरो वन माइनस वन माइनस टू, ठीक है, तो एन की इंटीजर वैल्यू के लिए ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब ये थर्ड है, थर्ड को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और बताओ, ठीक, और कॉमेंट करके मुझे बताओ थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, चलो कॉमेंट करके बताओ मुझे क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक, ट्राई करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इसे इक्वल टू जीरो करो और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो। ठीक, चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर थर्ड। तो बच्चों ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये ज़ीरो होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ओके बट वेट, देखो ध्यान देना, जब भी क्वाड्रेटिक को लेना हो ना तो क्वाड्रेटिक में ध्यान दो डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है। ठीक, तो पहले ये चेक करो ये ज़ीरो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ठीक, क्वाड्रेटिक ज़ीरो कब देगा, जब डी क्या होगा पॉजिटिव या इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो पहले डी निकालते हैं, तो डी क्या होगा इसका, देखो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बच्चों बी क्या है यहाँ पर माइनस थ्री माइनस फोर। ठीक, ए सी ए वन है और सी फोर है, राइट, सो दैट इज द नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवन। ओहो तो बच्चों डी तो नेगेटिव आ गया, राइट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियन क्या है वन यानी पॉजिटिव। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियन पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। देखो ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर एक रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा बच्चों ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव है, राइट, सो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया, अब सिग्नम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो सिग्नम क्या रिटर्न करता है वन। सो देखो यहाँ पर ये आपको रिटर्न करेगा वन, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन। ठीक, ये पॉजिटिव तो सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू क्या रिटर्न करता है वन, तो एफ एक्स इक्वल टू वन, और ये क्या है एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और बच्चों कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये हो जाएगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस कॉन्टीन्यूअस, राइट, ये। तो बच्चों आई थिंक इतने क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट चलो अब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। चलो क्वेश्चन जैसे ये लिया हमने, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम टू साइन एक्स प्लस ए is always continuous, always continuous, ठीक, then find the value of a, ठीक, आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो दिस इज द टू साइन एक्स प्लस ए, तो एक एक किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा कॉन्टिन्यूस, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि सिग्नम के साथ में जो फंक्शन है अगर वो ज़ीरो हो जाए, एक्स की जिस वैल्यू के लिए ज़ीरो हो जाए वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, एक्स की वो वैल्यूज क्या हो जाएगी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक चलो, तो देखो यहाँ से अब ये बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों टू साइन एक्स प्लस ए, ये देखो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो एक्स की जिस वैल्यू के लिए ज़ीरो होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट हो जाएगा, राइट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं होगा, अब समझना, सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए बाई टू। ठीक, इसको इस साइड में लेगा माइनस ए बाई टू, राइट। अब ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो, अगर हम ऐसे ले यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू, मान लो ऐसा हमने ले लिया, ठीक, सपोज करो, अब ये देखो ये सोल्यूशन कब देगा, ध्यान देना, साइन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू ये सोल्यूशन तब देगा जब ए क्या होगा, देखो माइनस ए बाई टू ये माइनस वन से वन के बीच में होगा, देखो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तो होता है माइनस वन से वन के बीच में ऐसा, राइट, तो ये सोल्यूशन कब देगा जब माइनस ए बाई टू माइनस वन से वन के बीच में होगा, सो दैट मीन अगर सॉल्व करोगे देखो ऐसा, ठीक, दैट मीन देखो ये अगर ए जो होगा माइनस टू से टू के बीच में होगा इंक्लूडिंग माइनस टू एंड टू, तो ऑलवेज क्या मिल जाएगा सोल्यूशन, ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, सोल्यूशन कब नहीं मिलेगा ध्यान देना, ये सोल्यूशन कब नहीं देगा, ये सोल्यूशन तब नहीं देगा जब ए ग्रेटर देन टू हो जाएगा और ए लेस देन माइनस टू। देखो अब देखो ए की वैल्यू अगर टू से ज़्यादा हो गई, ठीक, और माइनस टू से लेस हो गई, तो ये देखो ये साइन के रेंज से बाहर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू
वन से ज़्यादा हो जाएगी, माइनस वन से कम हो जाएगी, तो ये तो कभी सोल्यूशन देगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैल्यू कब पॉसिबल, ये देखो ये वैल्यू तब पॉसिबल होगी जब ए क्या होगा ग्रेटर देन टू और ए लेस देन माइनस टू। इसी केस में क्या हो जाएगा कि टू साइन एक्स प्लस ए ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, अगर ए की वैल्यू आपने टू से ज़्यादा ले ली और माइनस टू से लेस ले ली। ठीक, और देखो अगर ए की वैल्यू माइनस टू से टू के बीच में ले ली तो एक्स के किसी न किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो हो जाएगा, राइट ना, ओके। अगर ए की वैल्यू आपने टू से ज़्यादा ले ली और माइनस टू से लेस ले लिया तब ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, टू साइन एक्स प्लस ए ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये आपका आएगा सोल्यूशन। ठीक, एक्स ए के इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो, ठीक, कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी लगाव होगा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। चलो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो, फंक्शन मान लो हमने ये ले लिया सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस, चलो मान लो हमने ले लिया ए प्लस वन, ठीक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो यहाँ से फंक्शन सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए एक्स प्लस वन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके देन, अब देखो हम तुम्हें ऑप्शन बताना है आप। चलो मान लो ये ऑप्शन है, चलो मान लो अगर हमने ले लिया ए लेस देन माइनस टू ठीक, चलो बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ओके, इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है देखो, चलो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लेना है किसके लिए, एक ही वैल्यू के लिए। देन चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अब देखो समझना इसको, देखो डिसकॉन्टिन्यूस कब मिलेगा जब ये क्वाड्रेटिक आपको क्या देगा, ज़ीरो देगा। देखो ये ज़ीरो देगा, ठीक ओके, और क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक अगर ज़ीरो अगर हम ले रहे हैं ठीक, तो मैक्सिमम टू रूट कब देता है देखो, हैज़ टू डिस्टिंग रियल रूट्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक में क्या मिल सकता है, क्वाड्रेटिक या तो कोई वैल्यू ही ना दे, कोई रूट्स ना दे, ठीक है नो रूट्स, या तो आपको इक्वल एंड ठीक इक्वल एंड ठीक है देखो, या तो आपको टू डिस्टिंग रियल रूट्स मिल जाए, ऐसा मिल सकता है राइट, या आपको एक ही रूट्स मिले बट वो इक्वल रूट्स हो, ऐसा मिल सकता है। ठीक, देखो तीन कंडीशन हो सकती है ना क्वाड्रेटिक में, अगर आप देखो ऐसा, अगर मान लो हम ऐसा लेते हैं, ध्यान देना, अगर ये क्वाड्रेटिक देखो है, अगर डी ग्रेटर ज़ीरो है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके बच्चों, और अगर डी को हमने ज़ीरो कर दिया तो टू रियल रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट ठीक, और अगर डी निगेटिव ले लिया तो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स, राइट। अब समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर ये दो
एक्स के दो वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो कब होगा? जब डी क्या होगा आपका, डी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, तभी आपको टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा। यानी एक्स के टू वैल्यूज़ के लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर एक्स के टू वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, टू पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेंगे। इससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक दो से ज़्यादा पॉइंट के लिए ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ओके बच्चों, तो यहाँ से मिलेगा आपको एक्स, ये देखो, ये अगर हमने डी ग्रेटर देन ज़ीरो ले लिया तो यहाँ पर टू पॉइंट्स के लिए क्या होगा, एक्स के दो वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगा, और वो एक्स के दो वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, राइट। सो दैट मीन कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट ना। सो ए माइनस टू ए प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। अब बच्चों यहाँ से सॉल्व करना जानते हो, ए ग्रेटर देन टू और ए लेस देन माइनस टू, देखो ठीक। तो कंडीशन देखो यहाँ से कौन सी हो जाएगी, ये और ये दो ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट लेते हैं कॉन्टीन्यूटी। अब कॉन्टीन्यूटी बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए टू द पावर n, देखो इसको हम ले रहे हैं, ठीक। तो किसी फंक्शन में अगर ये इन्वॉल्व है तो उसकी हम कॉन्टीन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे, इसको हम लेते हैं, ठीक। तो बच्चों इसको पहले हम डिफाइन करते हैं, देखो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए टू द पावर n, ठीक। तो बच्चों हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इफ देखो a बिटवीन ज़ीरो टू वन, अगर a की वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में होगी, चलो देखो ध्यान दो, चलो चेक करते हैं। देखो अगर ए की वैल्यू आपने ज़ीरो ले लिया, एग्जैक्ट ज़ीरो ले रहे हो, ए की वैल्यू ज़ीरो, अब अगर इस पर इन्फिनिटी पावर ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, राइट, ठीक। दूसरा अगर ए की वैल्यू वन से, देखो ज़ीरो से वन लो लो, ठीक है, ए की वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में, चलो सपोज करो हमने कोई एक वैल्यू ले लिया, जैसे मान लो ए की वैल्यू ले लिया वन बाई टू, अब वन बाई टू क्या है, बिटवीन ज़ीरो टू वन, ठीक। अब देखो इस पर अगर आपने इन्फिनिटी पावर लिया, इन्फिनिटी पावर, ओके, तो दैट मीन देखो इन्फिनिटी पावर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ध्यान देना। देखो अगर 1 बाई टू के पावर 1 ले लो तो 1 बाई टू मिलेगा, 1 बाई टू के पावर 2 ले लो, देखो 1 बाई फोर मिलेगा, 1 बाई टू के पावर क्यूब ले लो तो बच्चों क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 1 बाई एट, 1 बाई टू के पावर 4 ले लो तो 1 बाई सिक्सटीन, देखो ये मिल जाएगा, ठीक। देखो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हो इसका डिनोमिनेटर देखो बड़ा होता जा रहा है, ठीक। पावर वन लिया टू, टू लिया फोर, थ्री लिया एट, फोर लिया सिक्सटीन, तो जैसे देखो देखो ये पावर बढ़ाते जा रहे हो, इसको इंक्रीज करते जाओ, इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, लार्ज होता है। अगर डिनोमिनेटर लार्ज होता जा रहा है तो नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, वेरी स्मॉल। अब देखो इस पर अगर इन्फिनिटी पावर ले लोगे देखो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो नियर अबाउट ये हो जाएगा ज़ीरो, ओके बच्चों। तो इसलिए अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, ठीक। एंड इफ अगर आप ले रहे हो ए इज इक्वल टू वन, आप देखो वन, तो एग्जैक्ट हमने वन लिया है, एग्जैक्ट वन, उस पर अगर इन्फिनिटी पावर लोगे तो वन मिल जाएगा, ठीक। एंड इफ अगर ए की वैल्यू आपने ग्रेटर देन वन ले लिया, वन से बड़ा, ठीक, तो बच्चों क्या मिलेगा, चलो इसको भी चेक करते हैं। जैसे मान लो ए की वैल्यू आपने ले लिया थ्री, अब देखो थ्री के पावर वन लो तो क्या मिलेगा, थ्री, थ्री के पावर टू लो नाइन, थ्री के पावर थ्री लो ट्वेंटी सेवन, थ्री के पावर फोर लो एट्टी वन, थ्री के पावर फाइव लो, ठीक है, क्या मिल जाएगा, टू फोर थ्री, ओके। देखो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हो देखो ये वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही है, तो अगर मान लो इस पर इन्फिनिटी पावर ले लोगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, वेरी लार्ज नंबर, तो ये भी तो वेरी लार्ज मिलेगा ना, देखो तो ये क्या हो जाएगा, लगभग इन्फिनिटी। सो देखो ये मिल गया इन्फिनिटी, राइट। तो ये आपने लिमिट में पढ़ा हुआ होगा, राइट। तो बच्चों ये ऐसे डिफाइन होता है, जब भी पावर एन हो और एन टेन टू इन्फिनिटी हो तो इसको देखो ऐसे डिफाइन करना है, पहले लेना है ज़ीरो से वन, फिर वन और फिर ग्रेटर देन वन, ठीक। ओके चलो
अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। चलो फंक्शन हमने ले लिया fx, देखो फंक्शन हमने ले लिया fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स पावर 2n माइनस 1 एक्स पावर 2n प्लस 1, देखो ऐसा ठीक, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 1, ठीक ऐसा। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, देखो मैंने क्या क्या कहा था, e टू द पावर n और n क्या है टेंड टू इन्फिनिटी, तो a को कैसे डिफाइन करना है 0 से 1, a इक्वल टू 1 और फिर a ग्रेटर देन 1। तो देखो ये एक्स स्क्वायर पावर 1 यानी एक्स स्क्वायर को कैसे डिफाइन करोगे, एक्स स्क्वायर को डिफाइन करो बिटवीन 0 टू 1 ऐसा। तो इस केस में क्या हो जाएगा ध्यान देना, इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, ए टू द पावर एन क्या होता था 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, देखो ये 0 दैट मीन ये हो जाएगा -1 ठीक। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लो ठीक, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और इस पर इन्फिनिटी पावर क्या मिलता था आपको 1, तो 1 माइनस 1 देखो ये 0 ओके, फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इस केस में क्या हो जाता था, देखो ऐसा होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पावर एन, तो बच्चों ये मिल जाएगा इन्फिनिटी ठीक, ये मिल गया आपको टेंड टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप इन्फिनिटी माइनस 1 लोगे और इन्फिनिटी माइनस 1 दैट इज़ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी ऐसा राइट। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ठीक, इसको इससे डिवाइड कर दो, देखो ऐसा देखो ऐसा ठीक ये। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बिटवीन 0 टू 1 ठीक। कोई भी नंबर अगर 1 से ग्रेटर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 0 से 1 के बीच में राइट। अब देखो ये 0 से 1 के बीच में आ गया तो इस पर इन्फिनिटी पावर क्या हो जाएगा 0 ठीक, सो दैट मीन ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0 राइट, सो ये वैल्यू मिल गई आपको 1 ओके बच्चों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, देखो एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये 0, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लिया आपने तो 1 माइनस 1 0, और एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया ध्यान दे रहा है इस पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इस केस में देखो इस पर इन्फिनिटी पावर क्या देगा आपको इन्फिनिटी, तो अगर यहाँ इन्फिनिटी माइनस 1 लोगे इन्फिनिटी प्लस 1 तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल जाएगा राइट। अब ये एक डिफाइन नंबर तो है नहीं, तो हम कैसे करते हैं, हमने देखो इसको एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स टू द पावर 2n से डिवाइड कर दिया, देखो इस फॉर्म में लिख दिया एक्स टू द पावर 2n से डिवाइड करो तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n, इसको भी डिवाइड कर दो यहाँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n, और इसको देखो हमने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर n ठीक। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, अब इस पर इन्फिनिटी पावर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0, सो देखो ये मिल गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज अ 1 ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू देखो ये मिल गई ठीक, इस फंक्शन की वैल्यू ये मिल गई। अब चलो इसको डिफाइन करते हैं, अब देखो ध्यान देना पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 तो इसको हम कैसे लिखते हैं लेस देन 0 ठीक, सो दैट मीन बच्चों ये ऐसा हो जाएगा राइट ये ओके। अब इसे देखो इसे कैसे लिखोगे 1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ऐसा ठीक,
ठीक ओके okay. इससे कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन है सो दैट मीन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो सो एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन देखो यस ठीक सो इसको अगर हम डिफाइन करें देखो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान देना अगर एक्स की वैल्यू हमने ले लिया लेस देन वन लेस देन माइनस वन यानी ये वाली कंडीशन देखो तो इस केस में क्या मिल रहा है माइनस वन ओके बच्चों ये वाले कंडीशन को हमने यहाँ सॉल्व किया नहीं यहाँ पर ये आएगा दैट मीन ये हो जाएगा आपका ये कौन सी कंडीशन थी वन देखो ये ठीक तो x लेस देन माइनस वन ये वाली कंडीशन इस पर मिल रहा है वन अगेन x इजक्ल टू माइनस वन ये तो माइनस वन देखो ये कंडीशन जीरो तो यहाँ मिल गया आपको जीरो एंड माइनस वन से वन के बीच में देखो ये वाली कंडीशन राइट तो इससे रिलेटेड है माइनस वन ओके अगेन अगर हमने ले लिया x इजक्ल टू वन तो बच्चों x इजक्ल टू वन देखो ये वाले कंडीशन दैट इज द जीरो ठीक और फिर क्या है x ग्रेटर देन वन तो x ग्रेटर वन देखो ये कंडीशन देखो इससे रिलेटेड है वन ठीक देखो ये तो पूरा फंक्शन देखो ऐसा डिफाइन होगा ठीक अब यहाँ से करो चलो डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं देखो ये है माइनस वन ठीक तो माइनस वन पर वैल्यू कितनी मिल रही है ज़ीरो एफ ऑफ माइनस वन बच्चों ये मिल रहा है ज़ीरो यानी फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इजल टू माइनस वन पर मिल रहा है ज़ीरो और एक्स लेस देन माइनस वन यानी माइनस वन से जस्ट लेस ले रहे हो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर वन माइनस वन से जस्ट लेस दैट मीन लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन फिर अगर देखो माइनस वन से जस्ट ग्रेटर यानी राइट हैंड लिमिट तो माइनस वन से जस्ट ग्रेटर कौन सा दे रहा है देखो ये माइनस वन अब देखो बच्चों तीनों ही अलग आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ओके तीनों ही डिफरेंट हैं तो ये फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इजक्ल टू माइनस वन माइनस वन पर डिसकॉन्टिन्यूस चलो और चेक करो अब आते हैं देखो वन पर दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर वन ठीक है देखो फंक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है एक्स इजक्ल टू माइनस वन पर चेंज हो रहा है और वन पर तो वन पे आओ तो एफ ऑफ वन क्या है बच्चों ज़ीरो ठीक अब वन से जस्ट लेस आओ यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है वन से जस्ट लेस माइनस वन ठीक और वन से जस्ट ग्रेटर यानी राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है आपको वन अब तीनों वैल्यू देखो डिफरेंट हैं तीनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं तो बच्चों इस केस में भी क्या मिल रहा है डिसकॉन्टिन्यूस तो डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इजक्ल टू माइनस वन एंड एक्स इजक्ल टू वन देखो ओके बच्चों तो ये है आपका एक्स इजक्ल टू माइनस वन एंड एक्स इजक्ल टू वन ओके तो बच्चों ये जो फंक्शन है एक्स इजक्ल टू वन और माइनस वन पर डिसकॉन्टिन्यूस है राइट ओके तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छा चलो देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो आप बताना मुझे ठीक देखो अगर इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ देखो अगर ऐसा कर दूँ ठीक अब इसके डिस्क ठीक है अब बताना ये किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा ओके तो बच्चों इससे आप सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना कि ये किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा ठीक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ देखो ये इससे देखो आप ऐसा लिख सकते हो इसे लिख सकते हो x माइनस वन होल स्क्वायर पावर n अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर पावर n प्लस वन ठीक सो देखो ये इसको चेक करना इसकी वैल्यू ले लेना जीरो से वन के बीच में दैट मीन x माइनस वन होल स्क्वायर इसको एक बार ले लेना जीरो से वन के बीच में ठीक देखना वैल्यू क्या मिल रही है फिर इसको एक बार ले लेना ज़ीरो वन के इक्वल ठीक फिर इसको एक बार ले लेना ग्रेटर देन वन ये तीन कंडीशन ले लेना
और सॉल्व करके देखना फिर क्या आपको पॉइंट मिल रहा है। ओके बच्चों, तो इसे आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। बच्चों फंक्शन ये दिया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर टू एन एक्स, ठीक, इसको डिस्कस करना है, कॉस टू द पावर टू एन एक्स, ठीक, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ठीक, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर एन, ऐसा। अब देखो ये आ गया ना इस फॉर्म में, ए टू द पावर एन के फॉर्म में, ऐसा आ गया ना ये, ठीक। देखो कंपेयर करो तो ये ए के प्लेस में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको डिस्कस करना है। तो हम कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, देखो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लेंगे यहाँ पर बिटवीन जीरो टू वन, ठीक। अब अगर इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में ले लिया तो ये वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा जीरो। एंड अगर हमने ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ठीक, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वन, ऐसा, ठीक। चलो और बताओ, अगर हमने ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर रिटर्न करेगा इन्फिनिटी। रुको रुको रुको, वेट वेट, कॉस स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू वन से ग्रेटर कभी होती ही नहीं है, ठीक, तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। ये सिर्फ इतना होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कभी भी वन से ग्रेटर नहीं हो सकता है, वन हो सकता है, वन से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो बच्चे ये कंडीशन होगी जिसको हमने इस तरह डिफाइन कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ से, तो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स वन कब होता है, देखो कॉस स्क्वायर पाई पर, कॉस की वैल्यू पाई पर क्या होती है, कॉस पाई माइनस वन होता है, कॉस टू पाई क्या होता है, वन होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, देखो कॉस स्क्वायर एक्स वन कब होगा, जब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, एन क्या है, इंटीजर, ठीक, यानी पाई टू पाई थ्री पाई माइनस पाई माइनस टू पाई, इन सब के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ओके। और बाकी जितनी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज़ क्या होगी, उसके लिए कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, हमेशा जीरो से वन के बीच में होगा। तो इसको देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, एन क्या है आपका, इंटीजर, ओके, तो इस केस में आपको मिल जाएगा जीरो। एंड इफ एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग टू इंटीजर, तो इस केस में क्या मिल जाएगा, वन, देखो ऐसा, ओके। अब देखो ध्यान देना, तो एन पाई का मीनिंग क्या हो गया, एन पाई का मतलब मीनिंग हो गया पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, यानी पाई टू पाई थ्री पाई माइनस टू पाई ऑल दिस, ठीक, आप समझ रहे हो। इससे मान लो कोई एक वैल्यू ले लिया, मैंने पाई ये हमने ले लिया पाई, तो इस फंक्शन की वैल्यू पाई पे कितनी हो जाएगी बच्चों, वन, पाई पे ये वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक। पाई से जस्ट लेस, पाई से जस्ट लेस लोगे तो वैल्यू देखो जीरो, पाई से जस्ट ग्रेटर लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक। जब एक्स की वैल्यू पाई है, एन की वैल्यू हमने वन ले लिया तो आपको क्या मिल रहा है, वन, और जब एक्स की वैल्यू पाई नहीं है, पाई नहीं होने का मतलब पाई से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा, तो उस केस में जीरो मिल रहा है। तो बच्चों फंक्शनल वैल्यू वन मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई पर जीरो, राइट हैंड लिमिट मिल रहा है आपको जीरो, ठीक। अब ये तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह आप टू पाई में देख सकते हो, थ्री पाई में देख सकते हो, माइनस पाई में देख सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इन वैल्यूज पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
ओके बच्चों, तो आज हमने दो फंक्शन डिस्कस किए, ठीक, कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन और दूसरा हमने इसको लिया जब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी है ए टू द पावर एन, इस फंक्शन को हमने डिस्कस किया। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है उसको आप सॉल्व करिए, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।